Good morning, 7th class. Today we will read the chapter The Desert. A desert is generally without water and vegetation. Desert aamtaur par bina pani ke aur bina ped podo ke hota hai. A green patch with fresh water and green trees in the middle of vast desert is a beautiful sight. Ki green patch with fresh water. हरे हरे पैचेस जो घास के होते हैं विद फ्रेश वाटर एंड ग्रीन ट्रीज इन द मिडल ऑफ वास्ट डेजर्ट इज़ अ ब्यूटीफुल साइट कि वो देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं जो फ्रेश वाटर है या ग्रीन ट्रीज जो रेगिस्तान के बीच में होते हैं. अ डेजर्ट मे बी टू हॉट और टू कोल्ड कि डेजर्ट बहुत ज़्यादा गर्म भी हो सकता है और बहुत ज़्यादा ठंडा भी हो सकता है. Those of us who live in region covered with forest and surrounded by hills may find it difficult to imagine. कि हम में से वो जो ऐसे areas में रहते हैं जो जंगलों से घिरा हुआ है या पहाड़ियों से घिरा हुआ है उनके लिए it is difficult to imagine. उनके लिए कल्पना करना मुश्किल है what a desert is really like. कि एक मरुस्थल या एक रेगिस्तान कैसा होता है. The popular belief is that it is an endless stretch. कि जो एक आम धारणा है या प्रसिद्ध धारणा है वो ये है कि ये एक endless stretch of sand कि रेत के चौड़े फैले हुए एरिया होता है. Where no rain falls, जहाँ पर कोई वर्षा नहीं होती and therefore no vegetation grows, और इसलिए वहाँ पर कोई पेड़ पौधे भी नहीं उगते. It is dry, hot, waterless and without shelter. ये वो एरिया होता है जो बहुत गर्म होता है बिना पानी के होता है और यहाँ पर कोई शेल्टर्स आश्रय भी नहीं मिलता. But this is not entirely correct. पर यह वास्तव में सारा सच नहीं है बिल्कुल सब कुछ सही नहीं है. For those who have studied it. उनके लिए जो इसके बारे में अध्ययन करते हैं उनके लिए सारा सब कुछ सही नहीं है. वो कहते हैं उनके हिसाब से द डेजर्ट कैन बी ब्यूटीफुल प्लेस कि जो रेगिस्तान है वो एक सुंदर जगह हो सकती है या एक स्थान हो सकता है. इट इज़ द होम ऑफ वैरायटी ऑफ पीपल एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट हैव लर्न टू लिव अंडर वेरी हॉट एंड ड्राई कंडीशंस. उनके हिसाब से कि ये रेगिस्तान जो है वो बहुत सारे प्रकार के लोगों जानवरों पौधों का एक घर है जो ऐसी ड्राई कंडीशंस में अपने आप को ढाल लेते हैं उसके हिसाब से रहना सीख लेते हैं. ट्रू द ग्राउंड इज नॉट ऑलवेज हिडन बाय कवर ऑफ ग्रास कि ये सच है कि जो ग्राउंड है वो हमेशा घास से कवर नहीं होता. प्लांट्स एंड ट्रीज एज इट इज़ इन अदर क्लाइमेट्स कि जैसे कि दूसरे क्लाइमेट्स में दूसरे वातावरण में होता है कई दूसरी जगहों पर होता है कि ये सच है कि रेगिस्तान में इतना ये सब नहीं होता ना प्लांट्स होते ना घास से ढके हुए मैदान होते. ये कैसे होता है बट वेन एवर इट रेन्स पर जब भी वहाँ पर बारिश होती है विच इज़ रेयर जो बहुत ही कभी कभार होती है मीन्स रेयर यहाँ पे है कि बहुत कम होती है कभी कभार ही होती है रेयरली होती है. डेजर्ट फ्लावर्स ब्लूम एंड द साइट कैन बी एज रिवार्डिंग एज दैट ऑफ एनी ट्रॉपिकल ग्राउंड कि जब बारिश के बाद जो डेजर्ट फ्लावर्स वहाँ पे उगते हैं तो वो साइट देखने में बिल्कुल वैसी ही सुंदर होती है जैसे एक आम ट्रॉपिकल गार्डन की साइट होती है जहाँ पर फूल उगे होते हैं वैसा ही दृश्य होता है जैसे दूसरे ट्रॉपिकल गार्डन्स का होता है. अ डेजर्ट इज़ नॉट ऑलवेज अ फ्लैट अनचेंजिंग वेस्ट लैंड ऑफ ड्राई सैंड कि डेजर्ट हमेशा फ्लैट नहीं होता और ना ही अनचेंजिंग होता है. ये वेस्ट एंड ऑफ ड्राई सैंड ये रेत का वो होता है कि जो चेंज नहीं ये कहते हैं ना कि जो अनचेंजिंग होता हो या फ्लैट हो या वेस्ट ऐसा वेस्ट लैंड हो जिसपे रेत ही रेत हो. इट मे हैव माउंटेंस एंड हिल्स कि वो कहते हैं कि इसमें हिल्स भी हो सकती है और माउंटेंस भी हो सकते हैं. इट मे हैव एन ओएसिस बिग और स्मॉल इसमें एक ओएसिस भी हो सकता है बड़ा या छोटा. An oasis is like a green island in the middle of a desert. कि oasis क्या होता है एक green island होता है जो desert के बीच में होता है. Where a spring or a well
गिव्स प्लांट्स, जहाँ पर वो स्प्रिंग और या वेल उनको एक वो एक कंडीशन देते हैं ताकि वहाँ पे पेड़ पौधे उग सकें।